हेलो दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा पोर्न साइटें देखी जाती हैं, जिसे देखने वालों की संख्या करोड़ों में है। इंटरनेट पर इन साइटों को देखना आसान और बहुत सहज होता है, इसलिए इन गंदी साइटों का बाजार भी लगातार और गर्म होता जा रहा है। पोर्न साइटों से अलग आज भारत में देह व्यापार का बाजार भी तेजी के साथ फल फूल रहा है। लड़कियों की जितनी ज़्यादा कम उम्र रहती है, उसकी कीमत भी ऊँची रहती है। आज देश के महानगरों में देह व्यापार अन्य धंधों से सबसे ज़्यादा फायदे का साबित होता दिखाई दे रहा है। लड़कियों को यह लालच रहता है, जो काम हुआ महीने भर किसी ऑफिस में घंटों सिर खपाने के बाद भी उतना वेतन नहीं पा सकती जितना कि वो एक दिन में कुछ घंटों में कमा लेती है। यह कड़वा सच है कि महानगरों में कई लड़कियाँ अपने शरीर को हवस के भूखों को सौंप कर न केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रही है, बल्कि वे पूरा घर ही नहीं चला रही है। यहाँ तक कि घर में रहने वाले बच्चों के फीस तक का इंतजाम कर रही है। दोस्तों, ऐसी जगहों पर हवस के पुजारी आते हैं और अपनी गर्मी कुछ मिनटों में ख़त्म करके चले जाते हैं। बदले में उनका पर्स हजारों नोटों से भर जाता है। जिस्म फिरौसी दुनिया के पुराने धंधों में से एक है। हालांकि अब यह पुराना नहीं रहा। पुराने वक्त के कोठों से निकलकर देह व्यापार का धंधा अब वेबसाइटों तक पहुँच गया है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में पिछली पुलिस के लिए इस नेटवर्क को भेदना खासा कठिन है। सिर्फ नेट पर अपनी ज़रूरत लिखकर सर्च करने से ऐसे दर्जनों साइट्स के लिंक मिल जाएंगे, जहां हाई प्रोफाइल वेश्याओं के फ़ोटो, फ़ोन नंबर और रेट तक लिखे होते हैं। इन पर कॉलेज छात्राएँ, मॉडल्स और टीवी फिल्मों की नायिकाएँ तक उपलब्ध कराने के दावे किए जाते हैं। और आज के इस एपिसोड में हम आपके सामने भारत के टॉप रेड लाइट एरिया में से एक महाराष्ट्र राज्य के पुणे डिस्ट्रिक्ट में मौजूद बुधवार पेट के हैरत अंगेज खुलासे आपके सामने प्रकट करेंगे। साथ ही पुणे डिस्ट्रिक्ट के कुछ फ्रेश फैक्ट्स भी आपके सामने रखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम वीडियो में गोता लगाते हैं। बुधवार पेट। पुणे का बुधवार पेट आज़ादी से पहले ही अंग्रेजों ने अपनी सैनिकों की हवस की भूख मिटाने के लिए शुरू किया था, जो आज के समय में विकराल रूप ले चुका है। हाल के दौर में यहाँ की वेश्यावृत्ति के अलग अलग रूप भी सामने आए हैं। इन रेड लाइट एरिया से निकलकर वेश्यावृत्ति अब मसाज पार्लरों और एस्कॉर्ट सर्विसेज के रूप में भी फल फूल रही है। देह का धंधा, कमाई का चोखा इन ख्वातीन का जरिया बन गया है। आपको बता दें, बुधवार पेट कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि देश भर का तीसरा सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है, जहाँ 7,000 से भी ज़्यादा सेक्स वर्कर्स काम करती है। आपको जानकर हैरानी होगी, बुधवार पेट पुणे के विश्वविख्यात दगडू सेठ मंदिर के निकट ही है। जो लोग देर से मंदिर दर्शन करने जाते हैं, लौटते वक्त मुख्य सड़क पर लुभावनी युवतियां नज़र आती हैं। आपको बताते चले, इस एरिया में इलेक्ट्रॉनिक और किताबें की दुकानें भी हैं, लेकिन रात होते ही यह रेड लाइट एरिया में तब्दील हो जाता है। भाइयों, यहाँ पुजारी और वर्दी वाले भी अलग अलग भेष में नज़र आते हैं। रक्षक भी इस चौखट पर भक्षक बन जाते हैं। वर्दी की लाज हर रात गिरवी रख जाते हैं। खादी के चरखों से मिलकर यहाँ चाक चलाते हैं। न जाने इस बदनाम बस्ती में कितने हाथ मलते हैं। हाँ, ये वही बदनाम गलियाँ हैं जहाँ हर रोज नाम वाले आते हैं, अपनी हवस की निशानी छोड़ जाते हैं। हाँ, यह वही बदनाम गलियाँ हैं जहाँ हर दिन एक नया तमाशा होता है। यह वही बदनाम गलियाँ हैं जहाँ हर रात महफिल सजाई जाती है, चंद सिक्कों के खातिर बिस्तर लगाई जाती है। हाँ, यह वही बदनाम गलियां हैं जहां हर एक बढ़ते कदम के साथ आह की आवाज़ बोली लगाई जाती है। यह वही बदनाम गलियां हैं जहां कलम की स्याही भी दम तोड़ देती है, जमाना क्या कहेगा कहकर छोड़ देती है। जी हाँ दोस्तों, यह है दस्ताना बदनाम बस्ती बुधवार पेट की। दोस्तों, हम तो आपसे यही कहेंगे, आप ऐसी वैसी चक्कर में नहीं पड़िएगा, लेकिन फिर भी आपने इस बात का निश्चय ही कर लिया है, जिस्म फिरौसी की मंडी जाना ही जाना है, तो आपके लिए कुछ चंद बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं और साथ ही आपका भारी नुकसान भी हो सकता है। पहला, कभी भी किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े, खुद से ही वेश्यालय पर जाए, वहाँ किसी भी वेश्या का चुनाव करे। इन इलाकों में कई ब्रोकर्स आपको रोकने की कोशिश करेंगे और इनमें से भी अधिकांश दलाल महिलाएं होती हैं, तो उनकी बात न सुनकर सीधे मंजिल की ओर बढ़े। दूसरा, इन वेश्यालयों पर संभोग के दौरान कंडोम को जरूर यूज करें,
क्योंकि इन वेश्याओं का HIV एड्स होने की संभावनाएं होती है, इसलिए पूरी सावधानियां बरती। तीसरा, ऐसी जगहों पर जेब कतरू और छीना झपटी करने वालों से हमेशा सावधान रहे। हो सके तो इन जगहों पर कोई कीमती सामान ना लाए और हमेशा मोबाइल को सुरक्षित जेब में ही रखे। चौथा, अनजान लोगों से सावधान रहिए। किसी भी अनजान शख्स से बात नहीं करना है, ये लोग असल में लूटमारी करते हैं। कम पैसे में काम कराने का लालच देकर यह लोग आपको अंधेरे कोनों में ले जाकर सारा पैसा छीन लेते हैं, तो इनसे भी सावधान रहिएगा। दोस्तों, पुणे शहर की फ्रेश फैक्ट्स की बात करें तो पुणे शहर हर सुख सुविधा से लैस है। इस शहर को सदाचार का शहर भी कहते हैं। यहाँ की शॉपिंग मॉल, चौरी सर्किल, कॉलेज एजुकेशन सेंटर, पार्क, सरकारी ऑफिस, इन सभी के कारण पुणे शहर भारत के टॉप बेस्ट शहरों में से एक है। वर्तमान में पुणे एक IT हब के रूप में भी उभर कर सामने आ रहा है। लेकिन जनाब, पुणे घूमने आए तो दो बातों का खास ख्याल रखें। पहला, तंग समय के साथ पुणे ना आए, क्योंकि कम समय में पुणे को अधूरा घूमना बेकार है। और दूसरा, अच्छा बजट लेकर आए, क्योंकि पुणे खर्चों का शहर है। यहाँ की हर चीज़ आपकी जेब से पैसा निकलवाने को मजबूर करेगा। दोस्तों, पुणे की कुल पॉपुलेशन 74 लाख से ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुणे में 1000 लड़कों पर 912 लड़कियाँ दर्ज की गई हैं। आपको शायद ही मालूम होगा, पूरे भारत में गर्ल्स स्कूल की शुरुआत सबसे पहले पुणे में हुई थी। वेल, पुणे को पहले पुणे वारी के नाम से जाना जाता था। इस शहर को जमीन से फलक तक पहुंचाने में महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि बाद में पेशवाओं ने पुणे को अपना जागीर बना लिया। उस समय पुणे भारत का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पॉइंट हुआ करता था। पुणे में ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल की भरमार है। यहाँ आगा खान पैलेस, सिंधे छतरी और सिंहगढ़ देहाती किला बेहतरीन आकर्षक जगह है। साथियों, पुणे में पब्स की लाइन लगी हुई है। जी हाँ, भारत के किसी भी शहर के तुलना में पुणे में सबसे ज़्यादा पब है, क्योंकि यहाँ देश के हर जगह से यंग जनरेशन पढ़ाई के लिए आते हैं। यहाँ युवा पूरे दिन पढ़ाई के बाद रात में पब्स में एंजॉय करने निकलते हैं। आपको बता दें, यहाँ पर पब्स की डिमांड को बढ़ते देख विदेशी कंपनियाँ भी यहाँ पर पब्स फटाफट खोल रही हैं। वही पुणे के स्थानीय व्यंजनों के स्वाद का तो हर कोई दीवाना है। यहाँ की पूरन पोली, पिटारा, चाट और भाजी बेहतरीन फूड है, जो आपके मुंह के स्वाद को चटपटा और मज़ेदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। दोस्तों, अगर आप पुणे को करीब से देखने की ख्वाहिश रखते हैं तो पुणे आपको कभी निराश नहीं करेगा। यहाँ मनोरंजन करने के लिए पिकनिक स्पॉट, ऐतिहासिक किले, साफ समुद्र तटों, हरियाली और कई बहते हुए झरने आपको प्रकृति से रूबरू कराएगा। अगर आप कभी पुणे जाए या अभी पुणे में हैं तो इन जगहों को जरूर विजिट करिएगा। शनिवार वारा, श्रीमंत दगडू सेठ हलवाई गणपति, ओशो आश्रम, लाल महल, राजा दिनकर केलकल संग्रहालय, आगा खान पैलेस, पार्वती मंदिर, सिंधे छतरी, खरकवा साला बांध, मुलसी बांध और झील, पतालेश्वर गुफा मंदिर, पानसेत वाटर पार्क, इन सभी जगहों पर जरूर एक बार जाइएगा। वेल, यहाँ की एक चीज़ खास है, वो है मौसम। यहाँ साल भर मौसम एक समान रहता है। यहाँ की उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण गर्मियों के दिनों में भयंकर गर्मी और सर्दियों के दिन में भयंकर जाड़ा नहीं पड़ता है। पुणे महाराष्ट्र का प्रमुख शहर होने की वजह से पुणे में यातायात के सभी फैसिलिटी अवेलेबल हैं। आपको बता दें, यह शहर अच्छी तरह से सभी प्रमुख शहर और उसके बाहर के शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से प्रतिदिन मुंबई के लिए दैनिक शताब्दी एक्सप्रेस रवाना होती है। वेल, पुणे के गामा ग्लोबल सिटी में कई विविधता है, जो इसे सबसे खास और अलग बनाती है। साथ ही यह शहर मुंबई मेट्रो के नक्शे कदम पर चल रही है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, पुणे शहर ने बॉलीवुड को बड़े बड़े दिग्गज सितारे दिए हैं, जिसमें शामिल है राधिका आप्टे, सोनाली कुलकर्णी, लिलेट दुबे, गोहर खान, रोहिणी हटांगडी, धनराज पिल्ले, मुग्धा गोडसे, यहाँ तक कि क्रिकेटर केदार जाधव भी पुणे से है। दोस्तों, बहुत लोगों का मानना है पुणे के ओयो रूम सेफ नहीं है, क्योंकि इन रूम में हिडन कैमरे लगी हो सकती है और रंगे हाथ पुलिस भी पकड़ सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, ओयो होटल रूम तो आपके लिए पूरी तरह से सेफ है। चाहे आप गर्लफ्रेंड के साथ हो या अपने फ्रेंड्स के साथ, आप पूरी तरह से इंजॉय करिए, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन ध्यान रहे, ओयो के अलावा दूसरी होटल उनकी गारंटी हम नहीं लेते। दोस्तों, दुनिया अगर बेहतरीन जगह होती तो
यहाँ हर कोई रोते हुए ना पैदा होता। इस दुनियादारी के चादर में कब किसके साथ क्या हो जाए कहना मुश्किल है। इसलिए अपना और अपने परिवार वालों का खास ख्याल रखिए, क्योंकि आप जैसे भी हो अपने परिवार के हीरो हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाइएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाइएगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। रखिए खुद का और अपने परिवार वालों का बहुत सारा ख्याल।